हेर्नुहोस्, आज 4 फेब्रुअरी 2022 दिन परेको हिउँ लाइभ यहाँ भिडियो गरिरहेको छु यसपालि। र अचम्मको कुरो चाहिँ के भयो भनेदेखि, दार्जिलिङ टाइगर हिलमा यसपालि 4-4 बार 5-5 बार हिउँ पर्न गएको छ। र म एउटा फरेस्ट स्टाफ भएको हुनाले गर्दा म टाइगर हिलमा म ड्युटी गर्दछु, अनि त्यसले गर्दाखेरि आज यो जति पनि हिउँहरू मैले असल प्रकार दृश्यले देखेको छु अनि यो भिडियो गरिरहेको छु। अहिले यो हिउँ परेकोले गर्दाखेरि अहिले टुरिस्टहरू पनि धेरै रमाहाट गर्नलाई आएको छ। यो चाहिँ टाइगरको गेट हो अनि यो डाँडा काँडा एकदम सेतै भइराखेको छ। अहिले यहाँ बाहिर निस्किनसक्नुको यहाँ हिउँ परिरहेको छ अहिले भर्खर पनि। यो अहिले फिलहाल भर्खर खिचिएको एउटा भिडियो हो। यहाँ यसरी आइरहेको छ पुरा बाक्लो, एकदम बाहिर निस्किनै नसक्ने अवस्था। यो चाहिँ टाइगरको बाटो हो, एकदम केही नदेखिने ढाकिएको छ। यसरी यो बाँसको पत्ताहरूमा ड्याम्मै लागेर निहुरिरहेको छ। यसपालि चाहिँ एकदम हिउँले साथ दियो। दार्जिलिङमा हिउँ पर्दैन पर्दैन भनेर धेरैले भन्ने गर्थे, प्रश्न गर्थे, टुरिस्टहरूले पनि सोध्ने गर्थे। मैले आउँछ आउँछ भनेर यसरी भन्थे, कहिले आउँछ भनेर भन्दै गर्दा यसपालि आउँछ भन्दै टाढ्दै, यसपालि चाहिँ योसँग चाहिँ 5 बार भएको छ हिउँ परेको। लु हेर्नुहोस्, लु डाँडा काँडा एकदम सेतै 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 भइराखेको छ। अहिले फिलहाल परि पनि राखेको छ, यी हेर्नुहोस्। टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ, टुरिस्टहरूलाई एकदम यो हिउँ परेको चाहिँ एकदम उनीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा रमहाटको दिन हो। ल हेर्नुहोस्, हेलो एक्सक्युज मी, मैं प्रेस से हूँ। अभी आप लोग कहाँ से आए हुए? सिलगढ़ी से। जैसा ये बर्फ गिर रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ ऐसा स्नोफॉल फर्स्ट टाइम। क्या बोलूँ, वेदर इज सो चिल्ड, वी आर कमिंग विद आवर फैमिली, बहुत मजा आ रहा है। अदर्स टूरिस्ट लोग को भी बोलूंगा आ जाइए, ऐसे कल भी ऐसे ही बर्फ गिरने वाला है। So, we are enjoying lot. No, chances तो बहुत है बर्फ और गिरने के लिए। कब आए थे आप लोग सिलगढ़ से? हम लोग कल आए थे। कल आए थे तो मतलब कहाँ पर ठहरा हुआ था? हम लोग दार्जिलिंग में ठहरे। दार्जिलिंग में तो कल आया, आज आपको स्नोफॉल्स मिल गया, कैसा कैसा अनुभव? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और बाकी टूरिस्ट लोग को भी बोलूंगा आप लोग भी आ जाइए, मौसम का मजा लीजिए, इट्स ग्रेट एंजॉयिंग हियर। एक्सक्यूज मी मैडम, कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा। अभी आप लोग को दिखाया गया कि रेलवे स्टेशन में आप लोग बैठा हुआ है, अभी जो स्नोफॉल्स का मजा ले रहे हैं आप लोग, मतलब ये क्या आप लोग सोचे थे कि दार्जिलिंग में फिर स्नोफॉल्स मिल जाएगा? भी नहीं जाना पड़ेगा, सब लोग आ जाइए दार्जिलिंग में। ओके थैंक यू। नाम क्या है? अमर पेमा। तो ये जो बर्फ गिर रहा है थोड़ा बता दीजिए ना। जो बर्फ, तो इस साल का बर्फ 12 साल बाद ये बर्फ गिरा है, लेकिन बहुत रिकॉर्ड ब्रेक बर्फ हो गया है। मोटा मोटी 6 पलट ऐसा 6 बार बर्फ गिरा, थोड़ा थोड़ा करके। 2 बार बड़ा हुआ, आज बड़ा हुआ और इससे आगे जनवरी दिसंबर 31 को बड़ा हुआ था। अभी बीच में भी पड़ा लेकिन जम नहीं पाया। तो कैसा फील कर रहा है अभी आप लोग? तो बहुत मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा
ठंड ज्यादा ही हो गया इस बार, अगले साल से इस बार बहुत ज्यादा ठंड। आप यहाँ का लोकल है? हम लोकल है इधर। पूरा नाम क्या है आपका? हमारा पेमा यलमो। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि 12 साल बाद में 6-6 बार बर्फ गिरा हुआ है, तो इससे आगे आप लोग ऐसा पता था कि ऐसा बर्फ गिरा हुआ है? पता था, बच्चे से पता था हम लोगों को, आगे तो गिरता था, हर एक साल गिरता था, लेकिन ये 2012 ना कितना में एक बार गिरा था, उसके बाद तो नहीं गिरा है, एकदम गिरा ही नहीं। उसका मतलब पूरा गर्मी का गर्मी, लास्ट ईयर भी जनवरी में पूरा धूप था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।